स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th का फुल कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? वेरीफाई डैट, वेरीफाई करना है कि 4 इज ए जीरो ऑफ द प्रोनोमियल पी एक्स एक्स माइनस 4। तो देखो, कोई भी जीरो होता है प्रोनोमियल का कब, जब उसका उस पर जब हम वैल्यू निकालते हैं प्रोनोमियल का, तो प्रोनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? वह प्रोनोमियल का वह जीरो कहलाएगा। कौन? क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। 4 को चेक करना है कि यह प्रोनोमियल इसका इस प्रोनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो पहले आप गिवेन प्रोनोमियल लिख लीजिए। गिवेन में क्या दिया हुआ है? पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस 4 दिया हुआ है ना, इस पे दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस 4। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ से आप, ठीक है, पी 4 निकाल लीजिए, क्योंकि चेक करना है 4 पे, है ना। एक्स का वैल्यू कितना लेना है? 4 लेना है। तो पी 4 निकालिए। तो पी 4 निकालेंगे तो देखिएगा 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, है ना। डेट मीन्स एक्स का वैल्यू जब हम 4 लेते हैं, इस प्रोनोमियल का वैल्यू क्या? 0 हो गया, है ना। 4 पे प्रोनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? हेंस बोल सकते हैं, हेंस 4 इज ए 0 ऑफ प्रोनोमियल कौन सा? ये जो गिवन प्रोनोमियल, तो सिंपल लिख दीजिएगा, हेंस 4 इज ए 0 ऑफ गिवन प्रोनोमियल। बात समझ में आ रही? इसी तरह आपको चेक करना है सारे क्वेश्चन में। चलिए सेकंड नंबर इसी में क्या कर रहा है? -3 इज द प्रोनोमियल ऑफ गिवन प्रोनोमियल। यहाँ गिवन लिख लीजिएगा। गिवन प्रोनोमियल क्या है आपका? पी एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, पी माइनस 3 निकाल लीजिए। तो एक्स के जगह पर -3 प्लस 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या? 0 आ गया। देखिए इस पर भी 0 आ गया, तो ये भी लिख देंगे, हेंस इसमें भी लिख देंगे, हेंस -3 इज अ 0 ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल। समझ गए? चलिए उसके बाद चेक करना है 3 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह करना है। गिवेन पॉलिनोमियल आपका क्या है? गिवेन है पॉलिनोमियल, देखिए दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल fx इजकल टू 2 - 5x दिया हुआ है। आपको चेक करना है 2/5, तो एफ 2/5 निकाल लीजिए। तो 2 - 5 इंटू 2/5 लिखिए, कट गया, तो फिर 2 में से 2 घट गया तो 0 आ गया। तो इस पे भी करेंगे तो हेंस इसमें भी बोल देंगे, हेंस 2/5 इज अ 0 ऑफ गिवेन, क्या बोलेंगे? गिवेन पॉलिनोमियल। ऐसे लिख देना है, शॉर्टकट में अगर लिखना है तो खाली लिख देना है, हेंस 2/5 इज अ 0, चाहे यस लिख देना है, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में उसी तरह है, -1/2 पर चेक करना है और पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी वाई। किस वेरिएबल में दिया? वाई वेरिएबल में। तो जी वाई इजकल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका 2y + 1 दिया हुआ है। हमको चेक करना है जी कितना? -1/2। तो -1/2 पर चेक कीजिए, तो 2 गए ना, -1/2 लिख दिया वाई की जगह पर, इतना इससे कट गया। देखिए -1 + 1 कितना? 0 आ गया। यहाँ से भी लिख सकते हैं, हेंस -1/2 इज अ 0 ऑफ, क्या लिखेंगे? गिवेन पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के आपको चेक करना है, कोई भी अगर वैल्यू दिया हुआ है वह उसका 0 है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? उस पे वैल्यू निकाल लेना और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ गए? 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहते बनाते हैं 7 भी। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 7th नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह दे रहा है आपका, इसमें भी आपको चेक करना है। 7th नंबर भी चेक कीजिए, कह रहा है कि वेरीफाई 1, 2 आर द जीरो ऑफ द प्रोनोमियल्स x²-3x+2, ठीक है, इस पे चेक करना है। तो 7th का फर्स्ट नंबर गिवन क्या है? गिवन प्रोनोमियल जो दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है? x³-3x+2 दिया हुआ है, ठीक है। इस पे दोनों दो दो जीरो पर चेक करना है, 1 और 2 पे। तो पहले p1 निकाल लीजिए, तब p1 इजकल टू क्या होगा? 1³-3×1+2, फाइनली जोड़ घटाव करेंगे तो 1 का क्यू करें, देखिए 1 हो गया, 1 का क्यू 1 आ गया
और माइनस थ्री, थ्री वन जा थ्री और प्लस टू, देखिए तो ये प्लस में वन है और टू, तो इसको जोड़ेंगे तो थ्री माइनस थ्री बराबर जीरो, तो पी वन पे जीरो आ गया। पी टू पर भी निकाल के देख लेते हैं, पी टू पर निकालेंगे तो टू का क्यू माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू कितना हो जाएगा, तो अगर टू का क्यू करेंगे तो एट हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। पी टू पे निकाल के देखिए तो सॉरी स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यू नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर पे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर यहाँ दीजिएगा, ठीक है। तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और थ्री इंटू वन ये सही है, और ये कहते हैं जीरो सही है। हम चेक करते हैं पी टू पे, तो टू का स्क्वायर कर लीजिएगा तो टू टू जब फोर हो गया माइनस सिक्स प्लस टू, देखिए प्लस में फोर और टू सिक्स सिक्स हो गया, तो सिक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो दोनों पर लिख लिया तो हेंस क्या बोल देंगे, हेंस वन एंड टू आर जीरोज, जीरोज ऑफ क्या बोलेंगे गिवेन पॉलिनोमियल, ठीक है। गिवेन पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए उसी में सेकंड नंबर पे भी चेक करना है, गिवेन आपका क्या दिया हुआ है, गिवेन प्रोनोमियल है आपका देखिए क्यू एक्स इजकल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है दिया हुआ है, इस पे चेक कीजिए, किस किस पे चेक करना है, टू और माइनस थ्री पे, तो क्यू टू निकाल लीजिए, तो क्यू टू निकालिएगा तो टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू माइनस सिक्स डेट इज सिक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो आ गया। उस पर एक और चेक करना है माइनस थ्री पे, ठीक है, तो माइनस थ्री पर चेक करेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस थ्री और माइनस सिक्स लिख दिया, ठीक है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री थ्री या नाइन हो गया प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो देखिए कितना हो गया, नाइन माइनस नाइन इजकल टू जीरो, तो दोनों पे जीरो आ रहा है तो क्या लिख दीजिएगा, हेंस बोल देंगे हेंस टू एंड माइनस थ्री आर जीरोज ऑफ गिवेन गिवेन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया कि नहीं। तो इस तरह का सेवन का फर्स्ट और सेकंड भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चेक करना है आपको, इस पे बनाना है आपको, देखिए प्रोनोमियल दिया हुआ आर एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे थर्ड नंबर गिवेन है प्रोनोमियल आर एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स दिया हुआ है ना, अब इस पे हमको किस किस पे चेक करना है, जीरो और थ्री पे, तो आर जीरो निकाल दो, तो आर जीरो है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो रखना है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और थ्री में से जीरो करेंगे गुना तो जीरो होगा, तो जीरो बराबर जीरो ही आ गया। उसी तरह चेक करना है थ्री पे, तो आर थ्री चेक कर लीजिए, तो आर थ्री कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस नाइन बराबर जीरो, ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ भी बोल देंगे हेंस जीरो एंड थ्री, जीरो एंड थ्री आर द जीरोज ऑफ द गिवेन पोलिनोमियल, ठीक है, इस तरह का गिवेन पोलिनोमियल का ये जीरो हो गया। तो इस तरह का वेरीफाई कर ले, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ है एक्स का वैल्यू जब दिया हुआ है कि वह जीरो है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, तो उस पर चेक, उस पर हम वैल्यू निकालेंगे उस पोलिनोमियल का, उस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो वह जीरो कहलाएगा। इस तरह हमने सिक्स और सेवन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और इसमें दिक्कत अभी भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। थैंक यू।